नमस्कार जी, मैं मंजू। अगर आपके जैसे गार्डन में बहुत ज़्यादा टेरेस पे धूप आती है तो छाया वाली जगह नहीं है, तो धूप में कटिंग कैसे तैयार करें? तो बहुत ही आसान तरीका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जो रूट्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस तरह के बोतल का मैंने इस्तेमाल किया है। ये बोतल देख रहे हैं, ये नीचे से कटी हुई है और ऊपर से ये होल है, या फिर इसका ढक्कन खोल लें। तो ये कटिंग मैंने एक ये नौ तरीक को लगाई है, ये देख रहे हैं क्राइसेंथिमम की, और इसमें नौ तरीक को लगाई है। और 12 की सुबह, आज 12 तरीक ही है, और जो 12 की सुबह ही मैंने, मेरे यहाँ अभी बारिश भी हो रही है, फटाफट मैंने कहा शेयर करती हूँ। तो 12 की सुबह मैंने देखा तो इसमें जो अच्छी रूट्स बन गई हैं, तो पता नहीं 2 दिन में या 3 दिन में ये रूट्स बन गई हैं और ये पत्तियाँ बिल्कुल हरी भरी रहती हैं। तो अगर नेट की सुविधा है तब तो नेट के नीचे रख सकते हैं, पर ये बोतल लगाने से क्या होता है, एक तो आपको अगर बारिश नहीं हो रही है तो पानी का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर लंबे टाइम तक बना रहता है। और ये बोतल होने से ऊपर ये जो आपका प्लांट है, ये जो स्टेम कटिंग है, ये सूखती नहीं है। तो ऐसे ही मैंने ये कोलियस किया। तो कोलियस के साथ क्या चक्कर होता है कि कोलियस अगर बहुत छायादार जगह में रख दिया जाए, यहाँ पे धूप ना आए, तो ये गल जाता है, फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है। मॉइस्चर जो है लंबे टाइम तक मिट्टी में बना रहता है और धूप लगती नहीं है, तो वहाँ भी ये चल नहीं पाते हैं। तो इन्हें जो खास करके ये वाला मौसम है, मॉनसून है, तो इसमें इन्हें जो थोड़ी मिट्टी में धूप भी लगनी चाहिए, तो उसमें ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो ये मैं निकाल के दिखाती हूँ, ये भी हफ्ते के अंदर तैयार हो गया आराम से, ये न्यू ग्रोथ भी होना शुरू होगी। तो ये पता नहीं दूसरे के तीसरे दिन ही मेरे को, मैंने नोट नहीं किया शायद, तो हफ्ते के अंदर इसकी रूट्स बन गई थी। और इसकी जो है 3 दिन में, 9 को मैंने लगाया था और 12 की सुबह देखा। तो दिखाती हूँ मैं इसकी रूट्स की किस तरह से बनी हुई हैं। तो मैं केयरफुली इसको किसी शार्प चीज़ से निकालती हूँ। तो ये इसको यहाँ से पकड़ के मैं पेन की मदद से धीरे से निकालती हूँ। वैसे तो मैंने सुबह ये निकाल के देखा है, इसको रूट्स आ गई हैं, और ये हटाया तो ये देखिए कितनी अच्छी रूट्स, ये देखिए कितनी लंबी रूट्स। तो पता नहीं ये मेरे ख्याल से दूसरे दिन ही बनना स्टार्ट हो गई, ऐसे कटिंग लगाई और इस तरह से ये मेरे बन गई है। और ये बहुत ही कारगर तरीका है, ये मैं चाहे ना भी करती तो पिछले साल क्या था कि मेरे यहाँ जो नेट, एक नेट का टुकड़ा लगा हुआ था, तो इस बार ही वो फट गया। और कोरोना वायरस के कारण मैंने बाहर से, मैं किसी को बुला भी नहीं रही हूँ और मैंने वो मंगवाया भी नहीं, और जिस बाज़ार में हमारे वो मानिक चौक में मिलता है तो बड़ा भीड़ भरा बाज़ार रहता है, तो पता नहीं आजकल वो खुल भी रहा है कि नहीं, ये भी मुझे ठीक से पता नहीं है कब कब खुलता है। और उसी तरह से ये इसकी कटिंग, तो इसके पत्ते भी नहीं मैंने हटाए, कुछ भी नहीं, बस पत्ते के साथ ही ये इसको लगा दिया। तो ये देखिए कितनी अच्छी न्यू ग्रोथ हो रही है। और ये दो हो गए, और एक और कटिंग मैं बताती हूँ। तो चलिए इस तरह से पहले मैं एक कटिंग और दिखा देती हूँ आपको कि हमें लगानी कैसी है। पहले मैं एक कटिंग और दिखा दूँ आपको, ये एक कटिंग और है जो येलो एलमंडा, जो बुश प्लांट है उसकी है, तो मैं ये निकाल के दिखती हूँ। तो इसके जो रूट्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने 3 हफ्ते के बाद देखा था, तो मुझे पता है इसमें 3 हफ्ते का टाइम लग जाता है। तो इसमें भी मैंने देखा तो रूट्स बन गई हैं, तो इसी तरह से मैंने बोतल से इसको ये ढका, तो मैं निकाल के देखती हूँ कि ये देखिए ये 3 हफ्ते का टाइम लगा इसमें। तो इस तरह से ये एलमंडा बुश का भी आप कटिंग, इतनी सी कटिंग लेके ये लगा सकते हैं। तो इस तरीके का जो है, वैसे तो आप जान ही रहे होंगे कि इस मौसम में, मॉनसून में जो ह्यूमिडिटी सॉरी बहुत ज़्यादा होती है, और हम आराम से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। पर जिन जगहों में फिर लगातार जैसे बारिश नहीं होती है, तेज़ धूप आती है, तो धूप वाली जगह में जो ये लगाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये जो मेरा ये प्लांटर है, ये पूरा दिन की धूप में है, ये पूरा दिन की धूप में है। तो आज मैंने इसमें एक कटिंग और ये लगा दी है, ये टिथोनिया की लगा दी है, ये इस तरह से पत्ते। तो अभी मैं ये बाद में अच्छे से दोनों हाथों से इसको नीचे करती हूँ। तो ये बहुत ही कारगर तरीका है, और इसमें होल बना हुआ है, और जो ज़्यादा जो मॉइस्चर होगा इसको अच्छे से टिकाना है। ये एक हाथ से मेरे टिक नहीं रहा, तो जो ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो ये इसमें से निकल जाएगा,
और ज़्यादा बारिशें हो रही हो तो आप ये इसका ढक्कन भी खोल सकते हैं ताकि ये मॉइस्चर उड़ जाए। तो मैंने इसी तरह से ये बॉर्डर लगाई है। तो एक और हम ग्रो करके देखते हैं। तो ये मैंने एक हिबिस्कस की कटिंग ये कट कर ली है, ऐसे कट ली है, और मैंने कोई इसका पत्ता कुछ भी निकाला नहीं है। तो बस इसको ऐसे मिट्टी में दबाना है, और कोई भी खास मिट्टी नहीं है, पोटिंग मिक्सचर जो जिसमें पहले से हमारे प्लांट्स चल रहे हैं कोई, बस उसी में दबा दिया। और इसको ये बोतल में पत्तों को ऐसे पूरा, तो ये देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। जो भी होंगे तो मैं आपको फिर, ये तो आपके सामने लगाई है अच्छे से बस। और पानी अभी तो खैर बारिश मेरे हो ही रही है सुबह से, फिर भी मैं अभी ये थोड़ा सा पानी इसमें ऐसे डाल देती हूँ। तो इसमें ज़्यादा मॉइस्चर की भी हमें रोज़ रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये अपने आप ही जो है इसमें मॉइस्चर भी आ जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही कारगर तरीका है, क्योंकि मैंने ये ना भी करती बट वो अभी मेरे यहाँ छाया वाली जगह कोई है नहीं ऊपर, और नीचे इतनी ज़्यादा छाया हो जाती है कि जैसे कोलिस वगैरह की कटिंग तैयार करते हैं तो वो फिर मिट्टी में ज़्यादा जो गिल्ला होने से मिट्टी गिल्ली हो जाती है, धूप नहीं मिलती है, तो उससे फंगस आने का प्रॉब्लम, और फंगस आ जाती है तो फिर प्लांट की रूट सड़ जाती हैं या कटिंग हमारी सड़ जाती है। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे। तो इसको हम कहेंगे कि धूप में कटिंग लगा के रूट्स बनने के जो है बहुत सारे चांसेस, 100% चांसेस तो हम नहीं कह सकते, पर मैंने अब जितनी भी ये कटिंग लगाई हैं इस तरीके से वो सब मेरी चल गई हैं और जल्दी चली हैं। तो कुछ भी आप ग्रो कर दीजिए। तो इस टाइम मुझे हिबिस्कस ही मिला, वो मैंने लगा दिया है, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो इससे एक तो यह है जो तेज़ धूप आती है ना, तो इसका जो बोतल का कवर होता है तो तेज़ धूप से कटिंग को बचाता है, तो कटिंग को लंबे टाइम तक वो जो हरा भरा बनाए रखता है, और जितने लंबे टाइम तक कटिंग जब हरी भरी रहेगी तो उसमें रूट्स के आने के जो चांसेस होते हैं रूट्स बनने के वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि क्या करना। तो इस तरीके को भी अपनाएं, जो भरपूर धूप में आपके ऐसे जो प्लांटर पड़े हैं स्पेशल कोई मिट्टी बनाने के जुट, हाँ जब आप डायरेक्टली इसे ग्रो करते हैं तो जो है ताज़ा खाद मत डालें। जैसे मेरी मिट्टी में खाद वगैरह मिली है तो पुरानी खाद है, मैंने अभी नहीं डाली है। तो जब ग्रो करते हैं उस टाइम ताज़ा खाद ना मिलाएं, पुरानी मिली हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पोटिंग मिक्सचर है, पुरानी मिली होगी, जो भी मिली होगी, तो उसमें ये ईजिली लग जाती हैं।